हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डिजिटल क्लास ऑफ एलबीएस स्कूल। माय डियर फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एडजेक्टिव्स, पजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। नाउ लुक, व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स ऑलरेडी वी नो, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन। बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आई वॉन्ट टू टेल यू ओनली देर आर फोर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दिस दोस। ओके, कौन से दिस दैट दिस दोस, दीज आर फोर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सो लेट्स सी व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नाउ लुक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट द नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, वो नाउन के बारे में बताते हैं। इट मॉडिफाइज वेदर इट इज सिंगुलर, ये मॉडिफाई करता है, क्या करता है, ये बताता है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, एज वेल एज वेदर इट इज नियर और फार। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है, ये तो एक तो नाउन को मॉडिफाई करता है, उसके साथ साथ ये सिंगुलर है या प्लूरल ये भी बताता है, और उसके साथ साथ ये नियर है या फार है ये भी बताने का काम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का होता है। वी यूज द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देखो यहाँ पर द शिप, यहाँ पर देखो अभी सिंगुलर नाउन से है ना, सिंगुलर नाउन के लिए दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। ओके, दिस एंड दैट, और प्लूरल नाउन के लिए दिस और दोज, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से, ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दिस दोज। ओके, नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो नज़दीक है वो बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये दिस का प्रयोग किया जाता है, और दूर जो चीज़ है उसके बताने के लिए, नज़दीक जो है उसको बताने के लिए दिस और दिस का प्रयोग किया जाता है, और जो दूर चीज़ है उसके बताने के लिए दैट और दोज का प्रयोग किया जाता है। ओके, और द चीफ डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इज दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोड डायरेक्टली बाय द नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, डायरेक्टली नाउन को फॉलो करते हैं, बट दैट आर मॉडिफाइंग, वेयर एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डू नॉट मॉडिफाई द नाउन। लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई नहीं करते। ओके, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। देखो यहाँ पर हमें कुछ MCQs दिए हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वी हैव टू फाइंड आउट करेक्ट वर्ड। नाउ लुक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देखो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ए देयर ग्लोव्स, बी ब्लू ग्लोव्स, ओके सी न्यू ग्लोव्स, और डी दोज ग्लोव्स। अभी इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इन ये चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में हमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मिलेगा। देयर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नो, ब्लू है, नहीं, न्यू भी नहीं, तो दोज है, दैट दोज हमने देखा, दिस दोज, तो ये क्या है, करेक्ट आंसर है ना, ये करेक्ट आंसर है दोज ग्लोव्स। सेकेंड क्वेश्चन देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनमें से किस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंक्लूड नहीं है। देखो दिस, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद दोज भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और दैट भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से, तो माय चिल्ड्रन इसमें है क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सो नहीं, तो इसमें कौन सा आएगा, ये इसका आंसर आएगा। ओके, देखो नेक्स्ट कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करेक्टली, इसमें से अभी ये सारे चारों भी क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से ये, लेकिन इसमें से करेक्ट कौन सा यूज किया है, दिस कार्स आएगा क्या, नहीं, ये यहाँ पर प्लूरल है, दैट कार्स नहीं, ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए हो जाता है, और यहाँ पर देखो दोज कार, अभी ये दोज क्या है, दिस और दोज प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें से कौन सा है, दिस ये प्लूरल के लिए और कार्स भी प्लूरल, मतलब कौन सा है, ये करेक्ट है ना, और ये बाकी तीनों ये रॉन्ग। ओके, नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स इनकरेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव, देखो
ऑलरेडी हमें पता है दिस दैट ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है और दिस दोज ये प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। देखो दिस पम्पलेट्स मतलब ये ठीक है, दिस पम्पलेट ये भी ठीक है, दोज पम्पलेट्स ये भी ठीक है, दैट पम्पलेट्स देखो ये दैट जो है सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन ये यहाँ पर पम्पलेट्स क्या है प्लूरल है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा ये आएगा। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसमें से हमें करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को इसमें फिलअप करना है। द कैंसेरियंस आर डैश डैश पीपल हु आर बॉर्न इन जून एंड जुलाई। ओके कौन से दिस आएगा, दोज आएगा, दैट आएगा या दिस आएगा। द कैंसेरियंस आर विच वन इज करेक्ट, दीज पीपल हु आर बॉर्न इन, कौन सा आएगा दीज पीपल, करेक्ट आंसर कौन सा आएगा दीज करेक्ट आएगा। ओके सो ऑल दिस यू हैव टू कॉपी डाउन इन टू योर नोटबुक एंड लर्न इट। डेफिनेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सिर्फ चार है, दिस दैट दिस दोज आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, दिस दैट ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, दिस ये और दिस और दिस ये जो नज़दीक की चीज़ें हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, और दैट एंड दोज ये दूर की चीज़ें बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके ये सारी बातें आपको याद रखनी है, डेफिनेशन को लर्न करना है एंड ऑल दिस फाइव क्वेश्चंस यू हैव टू कॉपी डाउन इन टू योर नोटबुक एंड लर्न इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन कॉल मी। ओके थैंक यू, वी विल कंटिन्यू रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।